नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार। आज बात ट्यूबलाइट की। ट्यूबलाइट इस हफ्ते रिलीज हुई है। कबीर खान के साथ ही सलमान खान की तीसरी फिल्म है। इससे पहले दोनों एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान में साथ काम कर चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या कबीर खान और सलमान खान की सुपरहिट जोड़ी बॉक्स ऑफिस पे कोई कमाल कर पाएगी? देश के बड़े अखबार और न्यूज चैनल इस फिल्म के बारे में क्या लिखते हैं, आज हम आपको यही बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि आज तक एबीपी न्यूज, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ट्यूबलाइट को कितने स्टार दिए हैं और इसके बारे में क्या लिखा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीरा अय्यर लिखती हैं कि अगर आप दबंग टाइप की फिल्में देखने के शौकीन हैं, सलमान खान की बाइसेप और शर्ट उतारते हुए तस्वीर देखना चाहते हैं तो आपको निराशा हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर आप सिनेमा हॉल में जाएं और इस फिल्म को देखें तो आपको फिल्म ठीक ठाक लगेगी। मीरा अय्यर ने इस फिल्म को 3 स्टार दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता लिखती हैं कि पूरी फिल्म में सलमान खान ट्यूबलाइट की तरह जलते बुझते रहते हैं लेकिन रोशनी नहीं करते हैं। शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म की जो सबसे खास बात है, सबसे मजबूत कड़ी है, वो ओमपुरी और माटीरे तांगू को बताया। माटीरे तांगू ने एक छोटे बच्चे का किरदार निभाया है और ओमपुरी की आखिरी फिल्म है। शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म को सिर्फ 1.5 स्टार दिए हैं। आज तक के लिए आरजे आलोक लिखते हैं कि फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी बिखरा हुआ है, निर्देशक की सोच अच्छी है लेकिन जो दिखाना चाहते हैं वो नहीं दिखा पाए हैं। आरजे आलोक लिखते हैं कि अगर फिल्म और बेहतर तरीके से बनाई जाती तो शायद इसका लेवल कुछ और होता। आरजे आलोक ने इस फिल्म को सिर्फ 2.5 स्टार दिए हैं। एबीपी न्यूज के लिए पवन रेखा लिखती हैं, इस बार ना तो सलमान खान का स्टारडम चल पाया है और ना ही युद्ध का प्लॉट। पवन रेखा ने इस फिल्म को सिर्फ 2 स्टार दिए हैं। एनडीटीवी के लिए सैबल चटर्जी लिखते हैं कि अगर आप सलमान खान के फैन नहीं भी हैं तो भी आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। सैबल चटर्जी ने इस फिल्म को 3 स्टार दिए हैं। दैनिक जागरण के लिए अजय ब्रह्मात्मज लिखते हैं कि कबीर खान की इस फिल्म में आपको एक सीधा साधा, निर्दोष, भोला, मासूम सा सलमान खान देखने को मिलेगा। अजय ब्रह्मात्मज ने इस फिल्म को 3 स्टार दिए हैं। यानी कि सलमान खान की फिल्म को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है, कुछ ने तारीफ की है तो कुछ ने जमकर आलोचना की है। यानी कुल मिलाकर फिल्म ठीक ठाक लग रही है। अब आप जाइए सिनेमा हॉल में, आप देखिए और आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए।